पशुपालन विभाग सोलन की ओर से नौणी पंचायत में निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 पशुपालकों ने हिस्सा लिया। कैंप का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों के पशुओं को मुफ्त चिकित्सा देना व विभाग की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना था। आपको बता दें कि विभाग द्वारा कैंप के दौरान पशुओं के गोबर व दूध के सैंपल भी जांचे गए, जिसके आधार पर पशुपालकों को पशुओं की बीमारी संबंधित जानकारी व चिकित्सा मुहैया करवाई गई, साथ ही लोगों के पशुओं की जांच भी की गई। वहीं वेटरनरी पॉलीक्लिनिक सोलन के इंचार्ज डॉक्टर संदीप ठाकुर ने बताया कि विभाग ने एक दिवसीय कैंप का आयोजन नौणी में किया है, जिसमें विभाग द्वारा पशुओं की जांच की गई और उन्हें विभाग द्वारा मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। हमने यहाँ दो जगह पे कैंप रखे थे। पहला कैंप हमारा ओइली डिस्पेंसरी के अधीन था और दूसरा कैंप जो है वो नौणी हमारी यहाँ डिस्पेंसरी उसके अधीन है। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं, खास करके जो रिपीट ब्रीडर्स हैं, जो टीके कई टीके लगने के बावजूद भी नहीं टिक रहे हैं, उनका हमने निःशुल्क उपचार किया है और जितना भी उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल निःशुल्क विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा जो भी प्रेजेंट हुए हैं हमारे पास एनिमल्स, उनको भी हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर लवित हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने लोगों के जितने भी पशु प्रेजेंट हुए हैं या जो गोबर अपना लेकर के आए हैं, दूध लेकर के आए हैं, तो मेरा ख्याल से 40 या 50 के करीब जो हैं गोबर और दूध के सैंपल्स हमने यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही प्रोसेस किए हैं और लोगों को उसके बारे में बताया है कि अच्छा दूध है, ख़राब है, क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पूरा का पूरा उनको जानकारी दी गई। इसके अलावा लोगों को विभाग में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं हमारे चले हुए हैं, उसके बारे में भी जानकारियाँ दी गई।